खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला अधेड़ व्यक्ति। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली के नजदीक नहर के किनारे खेतों में एक अधेड़ रस्सी से हाथ पैर बंधा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाथ पैर और गर्दन से रस्सी खोलकर मुंह पर पानी का छींटा मारा तो अधेड़ होश में आया। बुजुर्ग ने अपना नाम राजकुमार पुत्र जियालाल निवासी गोकुलपुर थरियाव जनपद फतेहपुर बताया। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि वो अपने भतीजे के साथ खागा बाजार ट्रैक्टर का सामान लेने गया था। कुछ सामान लेकर भतीजा वापस गांव चला गया जबकि राजकुमार बाकी सामान लेकर रेलवे की पटरी पकड़कर वापस गांव जा रहा था। तभी टेक्सरी बुजुर्ग के पास 6 लोगों ने राजकुमार को कुछ सुंघा कर बेहोश कर दिया। पास रहे 11,000 नकद व सामान लूट लिया और बाइक पर बैठकर कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली के नजदीक नहर पुलिया के पास छोड़कर फरार हो गए। सुबह खेतों में काम करने गए लोगों ने अधेड़ को रस्सियों से बंधा बेहोश देखा तो तुरंत सैनी पुलिस को सूचना दी। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर गई और अधेड़ को होश में लाने के बाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। कैसे क्या मिला यहाँ पे? अरे हम लोग को तो सूचना मिला, एक व्यक्ति जो है सूचना दिया है कि ऐसे खेतों में एक व्यक्ति पड़ा है मूर्छित। तो हम लोग थाने पे आए, 100 नंबर भी आई तो दौड़ कर देखा गया कि मूर्छित पड़े थे और रस्सियों से इनका पैर बंधा हुआ था और गले में भी रस्सी से बंधा हुआ था और रबर से इनका कान बंधा हुआ तो उसके ऊपर वो रुमाल जो है लपेटा गया था, मुँह धुलाया गया, साथे चल रही हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले कुछ ये और ही बताया जा रहा है। जो नंबर इनके अंगूठे पर लिखा हुआ है वो लगाया गया तो और ही थाना थरियाव और फतेहपुर जनपद का बताया जा रहा है। इनके भतीजे से बात हुई, वो अभी आने वाले हैं। क्या नाम क्या बताएं? नाम अभी नहीं बताएं, नाम तो नहीं पूछा गया, नाम नहीं बताएं। आपका नाम? शुभ नाम भी है? मेरा नाम है हेड कांस्टेबल राम बच्चन। क्या हुआ था, आप कहाँ गए थे और किस प्रकार आपके साथ घटना हुई? घर से खागा गए थे मोटरसाइकिल से, हमारे भतीजे हमको लेके बैठा गए तो वहाँ हम ट्रैक्टर का सामान लेने गए थे ग्रीस। और इसके बाद हमको काढ़ा लेना था जो पार ऊपर करने वाला, इसके बाद हम कहा तुम जाओ घर, हम पैदल आ जाएंगे रेलवे किनारे से पटरी पर किनारे किनारे। इसके बाद जब घर चले आए तो 11 था धाम के, हम जब वहाँ से वापस गए घर, जब घर जाने की तैयारी कर दिया तो एक सड़कों नाका है 1.5 किलोमीटर और पूरा पटरी के किनारे हमको पकड़ लिया खदेड़ के, तो पकड़ लिया। इसके बाद फिर गिरा दिया, पकड़ने के बाद फिर हमारी पट्टी बांध लिया। तो वही 6:30 या 7 बजे तक है दूसरे लेकर शाम तक पकड़ लिया। इसके बाद फिर हमने उनको गाली वाली दिया, हमने कहा क्यों पकड़ रहा है, उसको पट्टी बांध के बस लेके चल दिए। बेहोशी की हालत में कैसे चले गए? दवा अपना सुना दिया या खिला दिया कि हम बेहोश हो गए, मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल में बैठा के लेके चले आए। अब हमको ये नहीं मालूम कि कहाँ पर ये हमको लाए। कुछ पैसा वगैरह भी? पैसा 11,000 रुपये था हमारे पास। क्या कुछ विवाद चल रहा है क्या आपको? पहले विवाद चलता था जमीन का, छोटे गांव से चलता था 1991 की, इसके बाद से कोई बात नहीं। फिर रामचंद से 1-3 महीने से कोई बनी हुई दरवाजे घर वर के पीछे। नाम बता दीजिए अपना। रामचंद है। आप अपना नाम? अपना नाम राजकुमार।